Hello everyone, welcome back to my channel Glamify with me, and this is me Shivangi. So today I'll be sharing my Club Factory haul with you all. But before that, make sure आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे हिट कर दिया, सो दैट मेरा जो भी कोई नया वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. एंड यस, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया है वो है ये फुटवेयर, और ये ब्लैक कलर में फ्लोरल प्रिंट है जो कि परफेक्ट है समर के लिए. और ये मुझे सेल टाइम पे अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गई थी, आई थिंक 479 में कुछ. और ये इस तरह के जिप लॉक बैग में आई थी, अच्छी चीज़ है. पहले क्लब फैक्ट्री की पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, बट नाउ दिस टाइम आई एम रियली इम्प्रेस्ड. इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा था सो दैट कि आपका आइटम भी डैमेज ना हो सके. और इस जिप लॉक बैग को आप ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, चाहे अपने क्लोथिंग के लिए या फिर आप अपने फुटवेयर्स भी इसमें संभाल के ले जा सकते हो. और बहुत प्यारा है. आप इसमें और भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे. इसमें मस्टर्ड कलर भी है, ब्लू कलर भी था इवन, और भी टर्क्वाइज कलर और एक्वा कलर और सारे कलर वेरिएंट्स भी हैं, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो. इसका जो ऊपर का मटेरियल है वो जूट फिनिश में है कुछ, जो कि एग्जैक्टली जूट नहीं है, बट यस कंफर्टेबल है, आपके पैरों को बिल्कुल भी रफनेस जैसा नहीं लगेगा. एंड पीछे जो इसका मटेरियल है वो रबर टाइप में है. और इसका जो साइज़ मैंने पिक किया है वो मेरा साइज़ जो मैंने पिक किया है वो है UK साइज़ में 4 साइज़. तो ये था पहला प्रोडक्ट जो मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था. एंड दूसरी भी अगेन मैंने एक फुटवेयर ली है, ब्लैक हील ली है, हील फुटवेयर ली है. वैसे मुझे हील्स बहुत पसंद है, पहनती बहुत कम हूँ बट हील्स पसंद बहुत है. और ये भी मुझे अच्छे खासे सेल प्राइस पे मिल रही थी. अगेन आई वुड से आप मेरा स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा फॉर एग्जैक्ट प्राइसिंग. ये भी काफ़ी अफोर्डेबल थी, और ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैक करके इस तरह के जिप लॉक में दी है. इसमें भी कलर ऑप्शंस आपको चूज़ करने के लिए काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे. आई थिंक वाइट भी था, रेड भी था, ये सारे कलर्स इसमें ऑप्शन में अवेलेबल थे. एंड ये भी बहुत कम्फर्टेबल लगी. मैंने इसे एक बारी ट्रायल के लिए पहना है, अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है. अच्छी है, कंफर्टेबल है, और ये आगे से कुछ इस तरह के टिप पैटर्न में है, फॉर्म में है. अगर आपको हील्स पसंद है एंड थोड़ी कंफर्टेबल भी चाहते हो, पूरी तरह से पैक नहीं चाहते हो, तो आप ऐसे हील्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हो. एंड इसका भी साइज़ मैंने UK 4 साइज़ पिक किया था, जो कि मेरे लिए परफेक्ट. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस सिलिकॉन लीफ. ये एक डोर स्टॉपर है, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी थी. इससे ये इस तरह से पैक होके आई थी, मैं इसे अनपैक करके आपको दिखाती हूँ. आफ्टर अनपैकिंग ये कुछ उस तरह से दिखती हैं. ये लीव्स हैं, मुझे रैंडम कलर में मिली है, और ये कभी कभी लेमन स्लाइस भी लगती है जो कि बहुत ही क्यूट है. ये एक्चुअल में है डोर स्टॉपर. अगर आपके डोर्स में स्टॉपर नहीं है या स्किप हो गए हो आप लगाना, तो आप इस तरह के लीव्स ले सकते हो क्लब फैक्ट्री से. अफोर्डेबल इसके प्राइजेस हैं, मेरा स्क्रीन आप चेक कर सकते हो फॉर इट्स एग्जैक्ट प्राइजिंग. एंड सेल का फ़ायदा लेकर के आप थोड़े और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी इसे आप ले सकते हो. और इसमें कलर ऑप्शंस तो बहुत मिलते हैं, बट आप उसमें से आई थिंक चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रैंडमली कोई भी कलर आपको मिल जाएगा. तो ये थी डोर स्टॉपर जो कि सिलिकॉन लीव्स हैं, और आप इन लीव्स को कुछ इस तरह से दरवाजे के नीचे, डोर के नीचे प्लेस करके रख के आप यूज़ कर सकते हो, और आपका दरवाज़ा बंद नहीं होगा, डोर स्टॉपर का पूरा काम करेगी. डोर स्टॉपर यूज़ कर सकते हो, और प्यारी भी बहुत लगती हैं, बहुत अच्छे डेकोरेटिव पीस भी लगते हैं. अगर आप इसे ऐसे हैंग कर दो किचन में भी तो बहुत प्यारे लगते हैं. ये काइंड ऑफ मैंगो टाइप, नो मैंगो स्लाइसेस लग रहे हैं. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस सिलिकॉन टेलीस्कोपिक फनल. ये कुछ इस तरह से फ्लैट सी रहती है, एंड आप इसे प्रेस करोगे तो ये फनल बन जाएगी. एंड इसमें यहाँ पे होल भी मेंशन है, तो आप इसे हैंग भी कर सकते हो इस तरह से. और ये बहुत कम स्पेस लेती है, इवन इन योर ड्रॉर्स, या फिर आप इसे हैंग कर दो, प्लेस कर दो ऐसे, तो भी बहुत कम स्पेस लेती है. काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको क्लब फैक्ट्री में ऐसे यूनिक आइटम्स, डिफरेंट और क्यूट आइटम्स मिल जाएंगे. और ये मैंने लिया था, आप इससे यूज़ कर सकते हो ऑयल डिस्पेंस करने के लिए, एज अ ऑयल आपको किसी में रिफिल करना है उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो. बाकी और किसी काम के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. आपकी किचन के लिए छोटी चीज़ है बट बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे, एंड उसमें से आप इसे चूज़ भी कर सकते हो. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस स्पैचुला होल्डर.
यूटेंसिल स्पैचुला होल्डर, और ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आया था। अंदर से ये कुछ इस तरह से है, ये सिलिकॉन मेड है, तो ये पूरा आपके हाथ में भी आ जाएगा, ईजिली बैंड हो जाता है। और कलर ऑप्शंस इसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगे, ग्रीन भी मिलता है एंड और भी इतने सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। और आप किचन में काम करते वक्त करछी या चम्मच इन सब का यूज़ करने के बाद आपको लगता है इसे कहाँ रखें, गैस पे रखो या शेल्फ़ पे रखो, दोनों ही चीज़ें गंदी हो जाएंगी एंड वापस आप उसे यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि शेल्फ़ और गैस दोनों ही हर समय साफ़ नहीं होते। तो इस तरह का आप यूटेंसिल होल्डर यूज़ कर सकते हो। क्लब फैक्ट्री में ऐसी अमेजिंग चीज़ें आपको मिलती ही रहती हैं। और वॉट एल्स, आप इसकी प्राइस मेरे स्क्रीन पे चेक कर सकते हो एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए एंड यू मे यूज़ इट लाइक दिस। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस बाथरूम एक्सेसरी, और ये क्यूट सी बाथरूम एक्सेसरी, आप सोच रहे हो ये क्या है, तो ये है आपकी टॉयलेट जो लिड होती है उसे फ्लिप करने के लिए आप इसे पेस्ट कर सकते हो एंड कुछ इस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हो। और मैं इसे आपको अनपैक करके दिखाती हूँ। आपको मिलता है इस तरह से ऐसा एक प्रोडक्ट एंड साथ ही आपको मिलती है ये कुशनिंग जैसी चीज़ जो कि आप इसके पीछे कुछ इस तरह से अप्लाई करके आप इसे फिक्स कर सकते हो एंड इस तरह से आप इसे फ्लिप कर सकते हो अपनी टॉयलेट सीट या फिर उसका लिड। तो ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट घर में काफ़ी यूज़ आने वाली चीज़ है। और इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक मैंने इसमें से वाइट ऑप्शन चूज़ किया है और एक मैंने इसका ब्राउन चूज़ किया है, और भी आपको पिंक भी शायद कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। ये चीज़ को आपको कुछ इस तरह से पील करना है, इस पर ऐसे फिक्स करना है एंड आप अपनी लिड जो है टॉयलेट सीट की आप उसे ऐसे फ्लिप कर सकते हो ईजिली बिना अपने हाथ गंदे किए। और अगेन मैंने एक बाथरूम एक्सेसरी ली है, ये आप मॉप होल्डर या ब्रूम होल्डर कुछ भी कह सकते हो, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको इसे अनपैक करके दिखाती हूँ। अंदर आपको इस तरह से चीज़ मिलेगी, इसे यहाँ पे कुछ टेप जैसी चीज़ है, आपको इसे रिमूव करना है और आपको जहाँ पर भी बाथरूम में इसे फिक्स करना है, आप अपनी जो भी आपकी जगह वहाँ पर इसे फिक्स कर सकते हो। और इसमें आप अपना जो भी वाइपर है या ब्रूम है आप इसमें ऐसे फिक्स कर सकते हो कुछ इस तरह से। और ये चीज़ फिक्स करने के बाद आपको आपका जो बाथरूम एरिया है वो क्लीन रहता है, सारी चीज़ें आपकी वॉल पे हैंग हो जाती हैं तो नीचे की स्पेस आपको ज़्यादा खाली स्पेस मिल जाती है, तो जो कि अच्छी चीज़ है कि आपका बाथरूम काफ़ी मैसी नहीं लगेगा। तो मैंने इसमें ये ब्लू ऑप्शन चूज़ किया है, आप चाहो तो इसमें येलो भी ऑप्शन में था और भी सारे इतने सारे कलर वेरिएंट थे, आप इसमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, पिक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस मोबाइल होल्डर, आई थिंक ये आप इस तरह से यहाँ पे अपना चार्जर लगा सकते हो और यहाँ पर अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हो। बट ये अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है और इसे मैं ज़्यादा करूँगी ऐसे स्ट्रेच तो ये टूट जाएगा, तो ये टिल्टेड है। तो ये प्रोडक्ट मुझे लगता है शायद डिफेक्टिव है, और इसे मैंने एक बार ट्राई भी करा था तो फ़ोन बाहर फिसल रहा था या ऐसे इधर उधर गिर रहा था, तो ये प्रोडक्ट मुझे क्लब फैक्ट्री का अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये आई थिंक ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। और इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं या शायद दो ही मिलते हैं, आई एम डाउटफुल, तो कलर ऑप्शन के लिए आप चेक कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो और बाय कर सकते हो जो भी आपको करना हो। तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा एज आई थिंक इट्स डिफेक्टिव। और ये मुझे मिला था सेल प्राइस में 148 रुपीज़ का, और उसके हिसाब से मुझे थोड़ा मटेरियल भी इसका समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी हल्का लग रहा है और वैसे भी यहाँ पर भी ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो नॉट वर्दी फॉर मी, मैं इसे रिटर्न करने के लिए सोच रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज़ दिस डबल साइडेड मॉप या फिर टावल, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, जो कि आप इसे घर में डस्टिंग वगैरह के काम के लिए यूज़ कर सकते हो। मुझे लगा कि ये कुछ इस तरह से चार फोल्ड में है, जो मुझे पिक्चर में देख के लगा कुछ इस तरह से ऐसे पिक्चर में था, बट ये सिर्फ इतना सा कपड़ा आया हुआ है, बस इतना सा ही साइज़ है इसका। और इसकी प्राइस के हिसाब से ये है प्राइस में 131 का, सेल प्राइस पर भी ये 131 में था, तो मुझे ये प्राइस के हिसाब से महंगा लगा और
साइज भी इसका बहुत छोटा है, सिर्फ एक मॉप आपको 131 में मिल रहा है, तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। डबल साइडेड है ठीक है, बट प्राइस के हिसाब से बहुत महंगा है। आपको मार्केट में 50 रुपीज़ में, 15 रुपीज़ में अच्छे टॉवल मिल जाते हैं आपके डस्टिंग के लिए, मॉपिंग के लिए, अगर आपको चाहिए तो। उसके हिसाब से ये काफ़ी महंगा है। अगर डबल साइडेड भी है तो भी देन टू इट्स कॉस्टली ऑफ रुपीज़, लाइक अगर हम 131 रुपीज़ कंसिडर करते हैं तो इतना सा कपड़ा नॉट वर्थ। एक ये चीज़ क्लब फैक्ट्री से अच्छी नहीं लगी। तो ये था मेरा छोटा सा क्लब फैक्ट्री हॉल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा प्यारा लगा, क्यूट लगा, जिसे आप बाय करने के लिए सोच रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। एंड यस, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एन्जॉय, टेक केयर एंड बाय।